नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने जिंदगी की डवानी का पूरा सार सारांश अपने नोट्स से दे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा हमने स्टडी कर लिए। आज के इस वीडियो में हम जिंदगी की डवानी से रिलेटेड 40 से 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इन कहानी से हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, जिंदगी की डवानी कहानी के रचवैया के नाम रह मतलब बताना है कि जिंदगी की डवानी जो कहानी है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है जिंदगी की डवानी, जो ये है सो आपका सोन माटी बुक का दूसरा कहानी है। दूसरा प्रश्न है कि जिंदगी की डवानी के माने की हुए, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, जिंदगी का रोना। तीसरा प्रश्न है कि जिंदगी की डवानी कहानी कौन किताब में शामिल है, तो ये आपका सोन माटी का दूसरा कहानी है। चौथा प्रश्न है, जिंदगी की डवानी कहानी के की देखवल गेल है, घर के दुख, शिक्षित बेरोजगार के दुख, दहेज के समस्या या इस हवे। तो जिंदगी की डवानी में शिक्षित बेरोजगार का दुख दिखाया गया है, जिसका मुख्य पात्र रहता है जो जंगली, जो 30 बरस तक हो गया रहता है उसका उम्र, लेकिन कोई भी नौकरी उसको नहीं लगा रहता है बीए पास होने के बावजूद भी। तो यही पूरा स्टोरी में दिखाया गया है। पांचवा प्रश्न है कि जिंदगी की डवानी कहानी के मुख्य पात्र कौन रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, जिंदगी की डवानी का मुख्य पात्र कौन रहता है, जंगली। इसके दो भाई रहते हैं, बड़ा भाई जो सरकारी ऑफिस में बड़ा बाबू का काम करता है, और मंझला भाई जो रहता है सो प्राइवेट बस गाड़ियों का एजेंट रहता है। छठा प्रश्न है कि जंगली के कोन्हों बेकत गांव घरे कौन वजह से बेस ना कहल, मतलब गांव के आसपास के लोग जंगली को किस लिए अच्छे नहीं कहते थे, किले की ओकठिन पैसा नहीं थे, वह बेरोजगार था इसलिए उसको लोग अच्छा नहीं मानते थे। डवानी के अर्थ क्या होता है, करुण क्रंदन, भितरे भितरे कल्पे के, भितरे भितरे कांदे के, या ई सोभे थे। इसका मतलब होता है ई सोभे, मतलब डवानी का तीनों मतलब सही है। जंगली कत्ते पढ़ा लिखल रहा है, तो यह जंगली जो है सो बीए पास रहता है। जंगली कैसन बेगत रहता है, तो शिक्षित बेरोजगार रहता है, मतलब बीए पास करने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं मिला रहता है। दसवां प्रश्न है कि माए बाप कैसन बेटा के प्यार करोहत, कहानी के हिसाब से। कहानी में बताया गया कि माए बाप कैसन बेटा से प्यार करो, तो कमासूद बेटा के, यानी कि जो बेटा काम करते हैं नौकरी करते हैं उन्हीं से माँ बाप प्यार करते हैं, ऐसा कहानी में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि जंगली कैसन युवक बन के रह गेल है, तो बेरोजगारी भत्ता लेवैया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जंगली कैसन पेंशन भोगी बन के विषय सोचे रहल है, तो यानी कि जंगली कैसन पेंशन भोगी रहता है, जंगली को किस प्रकार का पेंशन मिलता है, तो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उसे मिलता है। कोलवरी के ऑफिस में बड़ा बाबू हल है, यानी कि कोलवरी के ऑफिस में बड़ा बाबू का काम कौन करता है, तो जंगली का बड़ा भाई कोलवरी के ऑफिस में बड़ा भाई बाबू का काम करता है। अगला प्रश्न है कि जंगली अपन कई गो भाई रहा, तो जंगली तो तीन भाई रहता है। जंगली जो है सो बेरोजगार रहता है, उसका बड़ा भाई सो कोलवरी के ऑफिस में बड़ा बाबू का काम करता है, और मंझला बाबू जो है सो गाड़ियों का एजेंट रहता है। पंद्रहवा प्रश्न है कि प्राइवेट सवारी गाड़ी के दलाल के हल है, तो जंगली के मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट रहता है। सोलहवा प्रश्न है, जंगली के बाप कर मौत भय गेल रहे, जखन जंगली यानी कि जंगली के पिता की मृत्यु कब हुआ रहता है, तो जब जंगली आईए पास हले, जब जंगली जो है आईए पास किया था उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बापेक मोरल बाद है, जंगली के कौन पढ़ाया, यानी कि बाप के मरने के बाद जंगली को कौन पढ़ाया है, तो माए के द्वारा या सारा जंगली को पढ़ाने का काम किया जाता है। अठारहवा प्रश्न है कि जंगली की माए जंगली के किन ईयर पढ़ावा हले, तो जंगली को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने क्या क्या किया, तो हमने इसके पहले वीडियो में देख लिए हैं जो सार सारांश वाला जिंदगी कटवाने का जो सार सारांश वाला वीडियो अपलोड किए थे, कि घेचा का हौसली बेच के और दो भर सोना का सिकरी को बंधक रखवा के जंगली जो है कि माए जंगली को पढ़ाती है। जंगली कौन कंपटीशन में पास हुआ रहता है, तो जंगली बताया जाता है कि जंगली एक बार दरोगा का एग्जाम भी पास कर लिया रहता है, लेकिन उसके पास घूस देने का पैसा नहीं रहता है, जिसके कारण से उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। जंगली बिहाग बारे की ख्याल रखे है, तो नौकरी पावल बादे बिहाग करेगा, यानी कि जब नौकरी मिल जाएगा तभी ही विवाह करेगा। इक्कीसवां प्रश्न है कि चांदी के जूता के आगू सब खखरी पटेतर के अर्थ है, यानी कि यह एक प्रकार का कहावत ही है, लोकोक्ति, रिश्वत खोरी के आगे सब योग्यता बेकार है, यानी कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो योग्यता उसके सामने पूरा बेकार है। जंगली केकर नजर में दूध में माछी रकम भय गल रहा है, यानी कि जंगली जो किसके नजर में दूध में माछी रकम भेज जाता है, तो उसके परिवार भाई भाभी के नजर में, यानी कि उपेक्षित हो जाता है, उसका वैल्यू घर में नहीं दिया जाता है।
अगला प्रश्न है कि गिद्धर गुला जंगली के की कहे चिड़वे हल, यानी कि जंगली को क्या कह के बच्चे आसपास के लोग चिढ़ाते थे? तो बुढ़वा दादा, क्योंकि वह 30 बरस का हो गया था और वह बूढ़ा की तरह देखने लगा था, इस वजह से उसे बुढ़वा दादा कह के लोग चिढ़ाते थे, बच्चे चिढ़ाते थे। जंगली अपन कौन संगी के घर होकर बिहार में गया था? जंगली जो है एक बार अपने कौन से दोस्त के शादी में गया था, तो उसका नाम क्या है दोस्त का? अशोक। के कहलक जंगली के करछी नाव है, यानी कि किसके द्वारा यह जंगली को कहा जाता है कि जंगली को एकदम भी करछी नहीं आता है? तो अशोक के बड़ा भाई के द्वारा यह कथन किया कहा जाता है जंगली को। अशोक कैसन संगी रहे? तो अशोक जो है कॉलेज का संगी रहता है और बोर्ड नौकरी पावल संगी रहता है, यानी कि अशोक जो है सो उसको बड़ा नौकरी भी मिला रहता है। जंगली करसी नहीं जानता है, अशोक कर दादा ई किले सुनवल है, क्योंकि जो जंगली जो है जब अशोक के शादी में गया था तो खाली हाथ गया था, इसलिए उसके दादा जो है अशोक का भाई बड़ा भाई वह कहता है कि वह छूछे हाथ गया रहता है, इसलिए वह बोलता है कि जंगली करसी नहीं जानता है। 28वां प्रश्न है कि संगी साथी घर नाए जाए के क्रिया खेलत, यानी कि जो संगी साथी के घर नहीं जाने का कसम कौन खाता है? जंगली खाता है। चेंगमेन से बुढ़वा दादा कहल पर जंगली की सोचे हैं, जब बच्चे लोग जंगली को बुढ़वा दादा कहकर चिढ़ाते हैं तो वह क्या सोचता है कि 30 बरिस के बूढ़ा ही पड़ 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 पौस ही है, तोहनी के नौकरियों ना भेटले मारल फिर भय कहीं लाए तोहनी ई सब। ये पूरा कथन वह है जंगली के द्वारा बच्चों को कहा जाता है। जंगली माए के खाटी से सट के औठैंग कैर के बैसल है, यानी कि जंगली बोलिया जंगली जो है सो अपनी खाटी जंगली माई के खाटी से सेट के बैठा हुआ है। हम जाए रहल हियो यहाँ से तोर बाप गे जहाँ गेल थून के केकर कहल लागे, यानी कि यह कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो जंगली के माई के द्वारा, जब अंतिम समय में उसके माँ के द्वारा यह जंगली को कथन कहा जाता है कि हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बाप गेल हल थून। जंगली माई जंगली के कते रुपया बिजनेस खातिर देता? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि जंगली की माँ जब मरते समय 100 रुपया देती है, यानी कि वह कहती है कि घर के हरके में बंद संदूक में 100 रुपया पड़ा है, तुम इससे पान की गुमटी खोल लेना। मोरे पहर जंगली माई जंगली के की कहले, यानी कि मरने के समय वह बोलती कि घर के हरके में 100 रुपया बक्से में रखा है और वहां से तुम उसे निकाल के पान की गुमटी लगाना। ये मरने से पहले जंगली की माँ जंगली को कहती है। मोरे पहल माई की कहले, हमार हरके में 100 गोट रुपया है, तो ये पान के गुमटी लगाए कि बिजनेस कर गामा देवी तो बिजनेस बढ़ाए देते हूँ यही सब है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जंगली के माई के द्वारा कहा जाता है मरते वक्त। कौन बिजनेस ना घेले जंगली की माई ओकरा पैसा देले हलते, यानी कि कौन से बिजनेस करने को कहती है जंगली की माँ जंगली को अंतिम समय में? तो पान के गुमटी खोले ले ये 100 रुपया देती है। हरका माने क्या होता है? तो लकड़ी का संदूक या बांस का संदूक या बक्सा। डिंडक डोहानी किनकर रचना लागे? तो डिंडक डोवानी जो है सो बंसीलाल बंसी का रचना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जिनगी डोवानी पूछेगा तो ये विनोद कुमार जी का स्वर्ण माटी का दूसरा कहानी है, जबकि पूछेगा कि डिंडक डोवानी किनका रचना लगा तो ये बंसीलाल बंसी जी का रचना है। जंगली के गुजारा कैसे कटुआ? तो बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता जो मिलता था जंगली को, उसी से उसका गुजारा चलता है। जंगली दरोगा पास भेल पर नौकरी काहे न भेले, क्योंकि घूस और पैरवी देने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं था जंगली के पास, तो उसकी नौकरी आगे नहीं होता है। जंगली घर से बहराइल पर ओकरा की कही के चिढ़ाऊ हलथिन, तो बच्चे लोग क्या कह के चिढ़ाते थे? बुढ़वा दादा जिनगी डोवानी कहनी ये में जंगली माई के की कहल रहे, बैंक के कर्जा ठीक ना है, कर्जो निकाले पैरवी और कमीशन दिए पड़ो है, हमार लयाकतो तो नखे जे 10-20 हजार रुपया जोगाड़ कर लबे ई सब। यानी कि जिंदगी की डुआनी में कहने में जंगली के माई के की कहानी, जंगली जो अपने माई को क्या कहती है जब उसकी माँ बिजनेस करने के लिए बोलती है, तब कि किसी तरह का कोई भी लोन वगैरह ले लो बिजनेस स्टार्ट करो, तब यह जंगली के द्वारा अपनी माँ को कहता है कि बैंक से कर्जा लेना भी ठीक नहीं है, कर्जा लेने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। ये सारा स्टेटमेंट जंगली के द्वारा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 40 से प्लस MCQ देख लिए जिंदगी की डोवानी से रिलेटेड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा उसका थ्योरी कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में हमने 40 प्लस उस चैप्टर से MCQ देख लिए। तो इस तरीके से ये जिंदगी की डोवानी स्वर्ण माटी बुक का जो दूसरा कहानी है जिंदगी की डोवानी, ये काफ़ी अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो गया।
एक से दो बार इस एमसीक्यू वाले वीडियो को देख लेंगे तो पूरा स्टोरी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।